आज हम पेपर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेट्स एंड प्रोपोजिशंस, समुच्चय तथा तर्क वाक्य। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। कार्डिनलिटी, हिंदी में कहते हैं गणनीयता, कार्डिनलिटी है ना, गणनीयता। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, इट इज डिनोटेड बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, किसी समुच्चय के भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय के भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या उस समुच्चय की गणनीयता कहलाती है, इसे मॉड ऑफ ए द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे मान लो कोई सेट है, इसमें 26 एलिमेंट्स हैं, तो ए का जो गणनीयता होगा, कार्डिनलिटी होगा, वो 26 आएगा। ये सेट देखो, इस सेट में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, तो ए की जो गणनीयता है, ए का जो कार्डिनलिटी है, वह 5 होगा। मतलब किसी भी सेट में कितने अवयव हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे वह उसकी गणनीयता कहलाएगी, कार्डिनलिटी कहलाएगी। इसको हम मॉड ऑफ ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, निम्नलिखित समुच्चयों की गणनीयता ज्ञात कीजिए। एक सेट ए है, यहाँ पे आप देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए की जो गणनीयता है वह 5 होगी। ठीक है, ए का जो कार्डिनल नंबर है वह 5 आएगा, बिकॉज ए हैज 5 एलिमेंट, क्योंकि ए 5 अवयव रखता है। बी में आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फाइनेट है, लेकिन 3 का मल्टीपल है ना, ये 3 × 1 है, 3 × 2 है, 3 × 3 है, 3 × 4 है, 3 × 5 है, तो आप लिख सकते हो द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट बी इज 3n, वेयर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n की अगर 1 रखेंगे 3 आएगा, n की अगर 2 रखेंगे 6 आएगा, है ना। तो ये जो सेट बी है, इसकी जो गणनीयता है वो 3n है ना, समुच्चय बी की गणनीयता 3n है। वैसे ही देखिए, हम सी के बारे में बात करते हैं। जो सेट सी है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसे 1, 2, 3 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट है ना, पूरे नेचुरल नंबर्स हैं, 4 से स्टार्ट है, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से। तो हमने लिखा है द कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी इज n+3, इसकी जो गणनीयता है n+3 है ना, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वैसे ही सेट डी जो है, इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2n आएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो द कार्डिनलिटी ऑफ सेट डी इज 2n, समुच्चय डी की गणनीयता 2n है। इस प्रकार से आपको इसकी गणनीयता कार्डिनलिटी निकालने आना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सेट है जिसके बारे में आपको जानकारी रखना है। जैसे होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार के नंबर। इसमें 0 शामिल नहीं है, इसमें निगेटिव नंबर शामिल नहीं है, इसमें फ्रैक्शंस जैसे 1/2, 3/2, 5/2 इस प्रकार के नंबर्स भी इसमें शामिल नहीं है। डिसिमल नंबर्स जैसे 1.5, 2.7 इस प्रकार के नंबर भी इसमें नहीं है। इसमें √2, √3 है ना, √5 इस प्रकार के नंबर्स भी इसमें शामिल नहीं है। इसमें केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के नंबर्स हैं। ये कहलाता है नेचुरल नंबर्स, हिंदी में प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो याद रखना, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उस सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही एलिमेंट होते हैं, है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होता है और निगेटिव नंबर भी शामिल नहीं होता है। इससे बड़ा जो सेट होता है वो कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसका हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें 0 भी शामिल है, निगेटिव नंबर्स भी शामिल है, लेकिन पूर्णांक संख्या रहेंगी, इंटीजर्स नंबर्स होंगे। इसमें 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे नंबर्स इसमें नहीं होंगे, डिसिमल वाले नंबर्स नहीं होंगे, 1.3, 1.7 ऐसे नहीं होंगे, √2 वाले नंबर भी नहीं होंगे, है ना, √2, √3 इस प्रकार के नंबर भी इसमें नहीं होंगे। इसमें 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो रहेगा, मतलब नेचुरल नंबर तो इसमें होगा, 0 भी इसमें होगा, और −1, −2, −3, −4, −5 इस प्रकार के नंबर भी इसमें होंगे। ये कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब आते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर।
ये कहलाता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो रेशनल नंबर का जो सेट होता है, परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, इसमें जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में 1/2, 3/2, 4/3, 5/3, -1/2, -5/3, इस प्रकार के फ्रैक्शंस वाला जो नंबर है, फ्रैक्शंस मतलब जिसमें ऊपर और नीचे इस प्रकार से लिखा गया, इस प्रकार जो फ्रैक्शंस वाले हैं यानी 1/2, 3/2, 5/3, इस प्रकार के नंबर भी शामिल होंगे, तो ये कहलाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसमें नेचुरल नंबर भी शामिल होता है, इंटीजर नंबर भी शामिल होता है और फ्रैक्शंस वाले नंबर भी शामिल होते हैं। अब इसके बाद में इससे भी जो बड़ा सेट आता है उसे हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो रियल नंबर का जो सेट होता है इसमें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं शामिल होंगे, इंटीजर नंबर भी शामिल होंगे, रेशनल नंबर भी शामिल होंगे, साथ में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में √2, √3, √5 ये सारे नंबर भी शामिल होंगे, है ना। ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार के नंबर भी शामिल होंगे, ये सारे नंबर्स कहलाएंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर का जो सेट है सबसे छोटा सेट हुआ, इससे जो बड़ा सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर है, और इससे जो बड़ा सेट है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, और उससे बड़ा सेट ऑफ रियल नंबर है। याद रखना ये सीक्वेंस, आप याद रखना, सबसे छोटा सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उससे जो बड़ा सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, उससे जो बड़ा सेट है सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और उससे जो बड़ा सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक बात और याद रखना, जो नंबर नेचुरल नंबर है वह इंटीजर भी हो कहलाएगा, नेचुरल नंबर को आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हो और नेचुरल नंबर को आप रियल नंबर भी बोल सकते हो, है ना। याद रखना नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर भी कहलाएगा, नेचुरल नंबर को आप रेशनल नंबर बोलोगे तो भी कहलाएगा, और नेचुरल नंबर को आप रियल नंबर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कौन सा सेट सबसे बड़ा सेट है और कौन सा सबसे छोटा सेट होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने अवयव हो, उसको आप गिन सको, गिन सको मतलब उसका एक संख्या निश्चित होना चाहिए, निश्चित संख्या अगर है तभी वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। इफ़ अ सेट पी हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन पी इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यदि एक समुच्चय पी परिमित संख्या में अवयव रखता है तो पी को परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे पी में यहाँ एन एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एन एलिमेंट्स, देन पी इज अ फाइनाइट सेट। अगर पी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं, परिमित संख्या में अवयव हैं, अवयवों की संख्या निश्चित है ना, तभी पी जो है फाइनाइट सेट कहलाएगा। एक होता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब यह है कि ये जो सेट पी है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। इफ़ अ सेट पी हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन पी इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। यदि एक समुच्चय पी अनंत संख्या में अवयव रखते हैं तो पी को अनंत समुच्चय कहते हैं। अगर इस सेट पी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, अनंत अवयव है, ये जो पी है वह इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, जिसको हम डी यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हो, ठीक है, गणनीय अनंत समुच्चय। जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट तो है लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा आपको पता है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार के नंबर्स आते रहते हैं, तो आगे क्या नंबर आएगा आपको पता है ना। मतलब वो काउंटेबल तो है लेकिन इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर में एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट होती है, अवयवों की संख्या अनंत होती है, इसी कारण इसे हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो जो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट जो सेट होगा, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, है ना, जो सेट प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के समतुल्य है वही सेट कहलाएगा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अ सेट पी सेट टू बी
a countably infinite set if p is equivalent to the set of natural numbers. अगर ये p set of natural number के equivalent है तो ये जो p है वह countably infinite set कहलाएगा. एक समुच्चय p को गणनीय अनंत समुच्चय कहते हैं यदि p प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के समतुल्य है. p जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के समतुल्य होना चाहिए. आप लोगों को बताता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है इसे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, इस प्रकार से. तो ये जो सेट है ना इसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो याद रखना सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप लोग ये कहलाता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय. तो नेचुरल नंबर के सेट की जो समतुल्य है वही कहलाएगा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट. जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. ये देखिए मैंने लिखा p इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव. ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है. या मैंने लिख दिया p इज इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन एंड सो ऑन इनफाइनाइट सेट. ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. आगे हम बढ़ते हैं. एक होता है काउंटेबल सेट. काउंटेबल सेट बनने के लिए या तो वो फाइनाइट सेट होगा या तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा. अगर कोई सेट फाइनाइट है तो भी उसको हम काउंटेबल सेट कहेंगे, या कोई सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है तो भी हम उसको काउंटेबल सेट कहेंगे. तो हमने लिखा है अ सेट पी सेट टू बी काउंटेबल सेट इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट. एक समुच्चय P को गणनीय समुच्चय कहते हैं यदि यह या तो परिमित है या गणनीय अनंत समुच्चय है, काउंटेबली इनफाइनाइट है. या तो वो फाइनाइट होना चाहिए या तो काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए. दोनों में से कोई भी एक है तो वह काउंटेबल सेट कहलाएगा. एग्जांपल समझते हैं. ये देखिए ये जो सेट P है ये फाइनाइट सेट है. आपको पता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है तो ये काउंटेबल सेट कहलाएगा क्योंकि फाइनाइट है इसी कारण काउंटेबल कहलाएगा. ये काउंटेबली इनफाइनाइट है ना 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एन एंड सो ऑन पूरे जा रहे. ये काउंटेबली इनफाइनाइट है और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को भी हम काउंटेबल सेट कहेंगे. तो कोई भी सेट काउंटेबल सेट तभी कहलाएगा जब वह या तो फाइनाइट हो या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो. मतलब आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट. या तो परिमित समुच्चय हो तो भी वो काउंटेबल कहलाएगा, गणनीय कहलाएगा. या तो वह गणनीय अनंत समुच्चय हो, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो तो भी वह काउंटेबल सेट कहलाएगा, गणनीय समुच्चय कहलाएगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. एक होता है अनकाउंटेबल सेट. अनकाउंटेबल मतलब जो काउंटेबल ना हो. काउंटेबल ना हो मतलब ना तो वो फाइनाइट हो और ना ही काउंटेबली इनफाइनाइट हो. हमने लिखा है अ सेट पी सेट टू बी एन अनकाउंटेबल सेट इफ इट इज नाइदर फाइनाइट नॉर काउंटेबली इनफाइनाइट. एक समुच्चय पी को अगणनीय समुच्चय कहते हैं यदि यह न तो परिमित है और न ही गणनीय अनंत है. न ही वह परिमित समुच्चय है और न ही गणनीय अनंत है. ऐसे मतलब न ही वो फाइनाइट है और न ही काउंटेबली इनफाइनाइट है, दोनों ही नहीं है. तो ऐसा सेट जो है वह अनकाउंटेबल सेट कहलाएगा, अगणनीय समुच्चय कहलाएगा. जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल. वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अगणनीय होता है. मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, गणितीय आगमन विधि. तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में आपको क्या क्या करना है, इसके क्या रूल्स हैं मैं आपको एक बार समझाता हूँ, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे. सपोज अ गिवन स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स अ नेचुरल नंबर n, ठीक है. इफ़ वी कैन शो दैट, हमने ये शो कर दिया पहले कि हमारा जो स्टेटमेंट है वह n इज इक्वल टू n जीरो के लिए ट्रू है. द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू n जीरो. n जीरो एक मिनिमम नंबर है जिसके लिए ट्रू हमें बताना पड़ेगा. फिर हमें ये ज्यूम करना पड़ेगा कि द एजम्पशन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के. पहले n इज इक्वल टू n जीरो इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा, ट्रू है ऐसे प्रूफ करना होगा. फिर आपको ये एग्ज्यूम करना है कि n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के. उसके बाद में आपको n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी हमें उस स्टेटमेंट का
प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब हमें ये साबित करना पड़ेगा कि द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जो मिनिमम वैल्यू होगा एन का, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके लिए आपको हम जो स्टेटमेंट है उसका प्रूफ देना होगा, मतलब उसे बताना पड़ेगा कि जो मिनिमम वैल्यू है जिसको हमने एन जीरो कहा है, इस एन जीरो के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एन जीरो, ये आपको प्रूफ करना होगा। इसके बाद में आपको एग्ज्यूम करना है, मतलब ये मान के चलना है कि एन इज इक्वल टू के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ऐसा आप एग्ज्यूम करके चलोगे, ऐसा आप मान के चलोगे। फिर आपको एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए उस स्टेटमेंट का प्रूफ देना होगा, ठीक है, आपको एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ देना होगा। यदि ऐसा आप कर देते हो तो इंडक्शन कम्प्लीट हो जाएगा और आप बोलोगे ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। अगर फिर समझाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू है ना, मान लो एन जीरो को वन दिया है या जीरो दिया है या टेन दिया है, जो भी दिया है, उसके लिए आपको जो दिया गया कथन है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमारा जो दिया गया कथन है वह एन इज इक्वल टू एन जीरो के लिए सत्य है, ऐसा आपको साबित करना पड़ेगा। उसके बाद में एन इज इक्वल टू के लिए आपको एग्ज्यूम कर लेना है, मान के चलना है कि हमारा दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है, ऐसे मान के चलोगे। एन इज इक्वल टू के लिए आपको प्रूफ नहीं देना है, एन इज इक्वल टू के लिए हमारा जो कथन है, दिया गया स्टेटमेंट है, वह ट्रू है, वह सत्य है, ऐसा आप एग्ज्यूम करके चलोगे, मान के चलोगे। और आपको एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए उस स्टेटमेंट का प्रूफ देना होगा, ठीक है, तभी आपका इंडक्शन कंप्लीट कहलाएगा और आप कहोगे कि हम यह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया है, सो दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 एन इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 बाई 2 वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई मैथमेटिकल इंडक्शन मैथड। एन का मिनिमम वैल्यू 1 है, यहाँ लिखा हुआ है एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एन की जो मिनिमम वैल्यू है 1 है। हमें गणितीय आगमन विधि से इस जो स्टेटमेंट है इसका प्रूफ देना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 एन इज इक्वल टू प्रूफ करना है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को हमें इक्वल बताना है ना, बराबर साबित करना है। और यहाँ पर एन का जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से एन की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, एन का जो मान है 1 से बड़ा या बराबर है, ठीक है। अब कैसे हम प्रूफ करेंगे इसका देखिए, सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है उसे लिख दीजिए। हमने लिखा है गिवन स्टेटमेंट इज, दिया गया कथन ये है जो क्वेश्चन से हमें मिला है। सबसे पहले हमें एन का मिनिमम वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में देख लेना है, तो एन का जो मिनिमम वैल्यू है 1 है, सबसे छोटा वैल्यू 1 है, क्योंकि एन का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए इसका प्रूफ देना पड़ेगा, एन की जगह 1 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और एन की जगह 1 रखेंगे राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए, देखते हैं। तो हम एन इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, जब हम एन इज इक्वल टू 1 लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल एक ही टर्म मिलेगा 1, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म आएगा 1। अब राइट हैंड साइड में जब हम एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, सॉल्व करेंगे तो 2 बाई 2 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आंसर 1 आया, राइट हैंड साइड में भी आंसर 1 आया, मतलब दोनों इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो आप लिखोगे हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, अतएव दिया गया कथन एन इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ रहा था और राइट हैंड साइड भी 1 आ रहा है, दोनों बराबर आ गए। अब एन इज इक्वल टू के सेकंड केस में हम होते हैं, एन इज इक्वल टू के के लिए आपको प्रूफ नहीं देना है, केवल आपको एज्यूम करके चलना है कि हमारा जो दिया गया कथन है, गिवन स्टेटमेंट है, वह ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के, ऐसा आप एग्ज्यूम करोगे। हमने लिखा है एग्ज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मान लो कि दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है ना।
तो हमारा जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये एन के आर के रख दो बस, कि हमने एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है करें, तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें आप एन की जगह क्या रखोगे, के रख दीजिए, तो 1 + 2 + 3 + के आ जाएगा, इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना। एन इज इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, हम ऐसा एग्जूम कर रहे हैं, तो रख दिए। देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 दिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी एन की जगह के रखे, राइट हैंड साइड में भी एन की जगह के रखे, ये दोनों इक्वल है। अब हम थर्ड केस करेंगे और लास्ट केस रहेगा, इसमें हम लेंगे वेन एन इज इक्वल टू के प्लस 1। चलिए थर्ड केस में आते हैं, वेन एन इज इक्वल टू के प्लस 1, जब एन बराबर के प्लस 1 है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में एन की जगह आपको के प्लस 1 लेना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 1 + 2 + 3 + के प्लस 1 तक जाएगा, है ना। एन की जगह हम के प्लस लेंगे, तो के प्लस 1 के पहले के भी रहेगा, है ना, के एन की जगह हम रखना है के प्लस 1, तो उसके पहले के भी आएगा, 1 + 2 + 3 + k + k + 1 लेफ्ट हैंड साइड ही आ जाएगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + k, इसका वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में मिल जाएगा, इसका वैल्यू है k + 1/2। ये देखिए इक्वेशन 1 में 1 + 2 + 3 + k इक्वल टू है k + 1/2। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसका जो वैल्यू है इतना हम रख देंगे, ये हमने रख दिया। अब दोनों का एलसीएम 2 आएगा, दोनों में k+1 कॉमन है, ये आ गया k+1 k+2/2। अब आप देखिए क्या यही हमारा राइट हैंड साइड है क्या, ये आप ज़रूर देखिए। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एन की अगर हम k+1 रखें, यहाँ k+1 आएगा, यहाँ k+2 आएगा, अपान 2 आ जाएगा। एन की जगह अगर हम k+1 रखते हैं तो राइट हैंड साइड आएगा k+1 k+2 / 2, वही आया। देखो ये तो आप देख रहे हो, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, दस द गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, अतः दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। क्लियरली द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन, सभी एन के लिए सत्य है, स्पष्ट है कि दिया गया कथन सभी एन के लिए सत्य है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सो दैट 1² + 2² + 3² + n² = n(n+1) 2n+1/6, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा दिया गया स्टेटमेंट है, यहाँ n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे है, मतलब n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, n का मिनिमम वैल्यू 1 है, ठीक है। दिस इज द गिवन स्टेटमेंट, यह दिया गया कथन है। सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए इसका प्रूफ देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें निकालना पड़ेगा n इक्वल टू 1 के लिए। जब हम n इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में n की अगर 1 रखते हैं तो ये आ रहा है 1, 1, 1 + 1, 2 + 1/6, मतलब 2 × 3/6 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आया, राइट हैंड साइड भी 1 आया, दोनों इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब है दैट द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, अतः दिया गया कथन एन इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया जब हमने एन इज इक्वल टू 1 लिया है तब, ठीक है। अब सेकंड केस में आते हैं, वेन एन इज इक्वल टू के, ठीक है, जब एन इज इक्वल टू के है। इसके लिए हमें प्रूफ नहीं देना है, एन इज इक्वल टू के लिए आपको केवल एग्जूम करना है द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, है ना, दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है, ऐसा आप मान के चलोगे। हमने लिखा है एग्जूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मान लो कि दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है, तो आपको जो स्टेटमेंट दिया गया क्वेश्चन में उसी में एन की जगह के रख देना बस, ये स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ एन की जगह के लिख दो, यहाँ भी के, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है वहाँ के लिख दीजिए केवल, और उसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। अब हम थर्ड केस करने वाले हैं, वेन एन इज इक्वल टू के प्लस 1, तो आपको इस केस के लिए प्रूफ देना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए आपको प्रूफ देना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे और राइट हैंड साइड आपको जाना है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा, तो एन की जगह आप क्या रखोगे, के प्लस 1,
तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 के प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, उस के प्लस 1 के पहले के स्क्वायर भी आएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए और राइट हैंड साइड ले आइए, राइट हैंड साइड में भी एन की के प्लस 1 आना चाहिए, मतलब यहाँ के प्लस 1 आ जाए, यहाँ एन के प्लस 2 आ जाए, यहाँ 2k+3 आ जाएगा अपॉन 6 इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करना है और राइट हैंड साइड जाना है, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ले रहे हैं एन इजिकल टू के प्लस 1, हमने लिख दिया है एन इजिकल टू के प्लस 1 ए लिखिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका जो वैल्यू है यहाँ तक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस एंड सो ऑन k स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है इतना पोर्शन का, ये आपको इस इक्वेशन नंबर 1 में मिल जाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जी। तो इसके प्लेस पे, इसके जो प्लेस है ये, इसके प्लेस पे आप लिखो k k+1 2k+1/6, ये रख दीजिए, रख दीजिए इसके प्लेस पे, ठीक। अब दोनों का एलसीएम 6 आएगा, दोनों में k प्लस 1 कॉमन है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाएगा k+1 2k² + 7k + 6/6, ठीक है। और इसको फिर ब्रेक करेंगे, 7k को हम ब्रेक करेंगे, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, 7k को 4k और 3k में ब्रेक कर दिया हमने, इसको लिखेंगे इन दोनों में 2k कॉमन है, 2k k+2 इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है, आएगा k+1 k+2 3k 2k + 3/6। और यही हमारा राइट हैंड साइड है, आप चेक करके देख लीजिए, यही हमारा राइट हैंड साइड आएगा जब हम एन की जगह के प्लस वन रखेंगे तब। ये देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, अगर हम एन की जगह के प्लस वन रखें तो यहाँ के प्लस वन आएगा, यहाँ के प्लस टू आएगा, यहाँ 2k+3 आएगा 5/6, यही हमने लाया। देखो ये तो राइट हैंड साइड आ गया, हमने शुरुआत किया था लेफ्ट हैंड साइड से और हमने राइट हैंड साइड ले आया है। तो आप लिखोगे दस द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इजिकल टू के प्लस वन, अतः दिया गया कथन n इजिकल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है। क्लियरली द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1, स्पष्ट है कि दिया गया कथन सभी n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, सो दैट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 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 n का क्यूब इजिकल टू n n+1/2 का होल स्क्वायर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है। यहाँ भी n का जो मिनिमम वैल्यू है 1 है, ठीक है, n का जो मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, n इजिकल टू 1 2 3, इस प्रकार से। ये होमवर्क आप कंप्लीट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, गणितीय आगमन विधि से हल कीजिए 1 + α + α² + α² n इजिकल टू 1 - α·n+1/1 - α, वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो n का मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 है, तो n इजिकल टू 0 के लिए पहले इसका प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है मतलब अल्फा की पावर 0 है, ठीक है, अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, इस प्रकार से। और n का मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 है, तो n इजिकल टू 0 के लिए पहले हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, गिवन स्टेटमेंट इज, दिया गया कथन है, ये हमारा दिया गया कथन है, 1 को हमने अल्फा की पावर 0 लिखा, अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, इस प्रकार से। ये इक्वेशन नंबर 1 है, सबसे फर्स्ट केस जो होगा उसमें आप लिखोगे व्हेन n इजिकल टू 0, ठीक है। n इजिकल टू 0 के लिए आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि n का मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड होगा अल्फा की पावर 0 मतलब 1 आएगा, अगर n इजिकल टू 0 लें तो अल्फा की पावर 0 एक ही टर्म मिलेगा। राइट हैंड साइड में जब हम n की जगह 0 रखते हैं तो ये जाएगा 1 - α·0+1, मतलब अल्फा आ जाएगा, 1 - α ऊपर आएगा, नीचे भी 1 - α आएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड भी 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ रहा है, दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे दस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू 0, अतः दिया गया कथन n इजिकल टू 0 के लिए सत्य है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको n इजिकल टू 1 के लिए भी प्रूफ दे दीजिए, अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि n इजिकल टू 0 के लिए आपने प्रूफ दे दिया है, आपने ये साबित किया है कि n इजिकल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, मतलब n इजिकल टू 0 के लिए यह जो स्टेटमेंट है, यह कथन जो है वह सत्य है, ये आप बता चुके हो। आप n इजिकल टू 1 के लिए प्रूफ दे भी सकते हो और नहीं भी दो तो भी चलेगा, है ना।
चलिए तो हमने सेकंड केस ले लिया व्हेन एन इज इक्वल टू के। अब एन इज इक्वल टू के के लिए आपको केवल और केवल एग्ज्यूम करना है, एन इज इक्वल टू के लिए प्रूफ नहीं देना है, याद रखना। एन इज इक्वल टू के लिए आपको ये मान के चलना है कि हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट है, गिवन जो स्टेटमेंट है, दिया गया कथन है, वह एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है। लिखा है एग्ज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। मान लो कि दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है, तो जो स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में, हाँ एन की आके रख देना, ये हमने ट्रू मान लिया एन इज इक्वल टू के। अब थर्ड और अंतिम केस में आते हैं, हम लिखेंगे व्हेन एन इज इक्वल टू के प्लस वन। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड आएगा अल्फा की पावर जीरो प्लस अल्फा की पावर वन, अल्फा की पावर टू, अल्फा की पावर के प्लस वन, है ना, एन की आगे के प्लस वन ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर टू में आपको मिल जाएगा, ये ऊपर देखो, इसका वैल्यू है वन माइनस, इतने का वैल्यू बता रहा हूँ, वन माइनस अल्फा की पावर के प्लस वन अपन वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा की पावर के प्लस वन, दोनों में वन माइनस अल्फा सेम आएगा। यहाँ पर ये टर्म कट जाएगा, माइनस और प्लस में है, तो वन माइनस अल्फा की पावर के प्लस टू अपन वन माइनस अल्फा, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अगर हम अल्फा की जगह एन की जगह के प्लस वन रखें तो राइट हैंड साइड हमारा यही होगा, जब हम एन की जगह के प्लस वन लेते हैं तो यही हमारा राइट हैंड साइड होगा। हमने शुरुआत किया था लेफ्ट हैंड साइड से, हमें मिल गया राइट हैंड साइड, इसका मतलब है एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी यह स्टेटमेंट ट्रू है। हमने लिखा है दस द गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, अतः दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है। ठीक है, क्लियरली द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, स्पष्ट है कि दिया गया कथन सभी एन ग्रेटर इक्वल टू जीरो के लिए सत्य है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग द मैथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, गणितीय आगमन विधि के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि 3 + 3 × 5 + 3 × 5 का स्क्वायर + 3 × 5 n इज इक्वल टू 3 × 5 n + 1 − 1/2। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल लाना है, दोनों को बराबर साबित करना है। गिवन स्टेटमेंट इज, दिया गया कथन है, ये हमारा दिया गया कथन है, इसे इक्वेशन नंबर वन दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 कुछ नहीं है, मतलब 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 × 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, मतलब n का जो मिनिमम वैल्यू है 0 है। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 के लिए हम इस स्टेटमेंट का प्रूफ देंगे, n इज इक्वल टू 0 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम साबित करेंगे। तो जब हम n इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो लेफ्ट साइड में केवल एक ही टर्म मिलेगा, 3 × 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 क्या होता है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड 3 आएगा। राइट हैंड साइड में भी रखते हैं, राइट हैंड साइड है, यहाँ भी हम n इज इक्वल टू रखने वाले हैं 0, n इज इक्वल जब 0 रखेंगे राइट हैंड साइड में यहाँ, तो हमें 3 × 5 की पावर 1 − 1/4 3 × 4/4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 3 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 3 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसका मतलब है कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वह n इज इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है, सत्य है। दस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के लिए आपको केवल एग्ज्यूम करना है कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वह ट्रू है, सत्य है। एग्ज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। मान लो कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू के लिए सत्य है। ठीक है, एन इज इक्वल टू के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वह ट्रू है, ऐसा मान के चल रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर वन है उसमें एन की जगह के रख दीजिए, है ना, ये इसे इक्वेशन नंबर टू हमने दे दिया, क्योंकि एन इज इक्वल टू के लिए हम तो ट्रू मान ही रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन में ही, हमारा जो क्वेश्चन है उसी में एन, जहाँ एन लिखा था वहाँ के लिख दिया, उसे इक्वेशन नंबर टू बोल दिया। अब हम लास्ट केस करने वाले हैं व्हेन एन इज इक्वल टू के प्लस वन। एन इज इक्वल टू के प्लस वन दिया जाएगा, एन की जगह क्या रखने वाले हैं के प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 3 × 5 की पावर 0 + 3 × 5 की पावर 1 + 3 × 5 की पावर 2,
प्लस प्लस थ्री इंटू फाइव की बार के प्लस थ्री इंटू फाइव की बार के प्लस वन यहाँ तक आएगा, क्योंकि एन की एक हम ले रहे हैं के प्लस वन तक जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर टू में मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये इक्वेशन टू में रख दिए, इधर में फोर एलसीएम दिया जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, थ्री का मल्टीप्लाई इससे होगा, थ्री का मल्टीप्लाई वन से होगा, है ना। इसको थोड़ा सा करिए, इन दोनों में आप देखो थ्री इंटू फाइव की पावर के प्लस वन है, ट्वेल्व इंटू फाइव की पावर के प्लस वन है, दोनों को मिलाओगे तो फिफ्टीन इंटू फाइव की पावर के प्लस वन आ जाएगा। ये ऐसा इसको थ्री इंटू फाइव लिख दीजिए, दोनों में थ्री कॉमन आ जाएगा, फाइव की पावर के प्लस टू माइनस वन अपन फोर आएगा, तो ये हमारा मिल गया राइट हैंड साइड। क्योंकि जब हम एन की जगह के प्लस वन रखेंगे तो राइट हैंड साइड ऐसे ही दिखेगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाया था, ये देखो जब n की जगह हम k प्लस वन रखेंगे ना तो 3 इंटू फाइव की बार के प्लस टू माइनस वन अपन फोर, एन की जगह k प्लस वन रखेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड इसी फॉर्म में रहेगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड मिल चुका है, तो आप लिखोगे दस द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, अतः दिया गया कथन n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है। क्लियरली द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, स्पष्ट है कि दिया गया कथन सभी n ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए सत्य है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाई द मेथड ऑफ इंडक्शन प्रूव दैट, ये भी इंडक्शन मेथड से आपको प्रूव करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पर वन इंटू थ्री है, फिर टू इंटू फोर है, थ्री इंटू फाइव है, मतलब n का मिनिमम वैल्यू वन है। पहले n इजिकल टू वन के लिए प्रूफ देंगे, n इजिकल टू वन के लिए जब प्रूफ देंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही टर्म आएगा वन इंटू थ्री, वन इंटू थ्री थ्री होगा। राइट हैंड साइड में भी n इजिकल टू वन रख देंगे, n इजिकल टू वन रखेंगे राइट हैंड साइड में तो हम देख रहे हैं सॉल्व करने से थ्री आ रहा है आंसर, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। दस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू वन। अब हम सेकंड केस करेंगे n इजिकल टू के, n इजिकल टू के लिए हमें एग्जूम करना है कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू के, दिया गया कथन n इजिकल टू के लिए सत्य है। तो आपको जो क्वेश्चन में n की जगह के ले लेना है, के लिख देना है, क्वेश्चन सेम रहेगा ये, है ना। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है ना, जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है वहाँ k लिख दीजिए, क्योंकि n इजिकल टू के लिए सत्य है, बोल रहा है इसको ट्रू है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो हमने लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर टू आ गया। अब हम आते हैं एन इजिकल टू के प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड जाएंगे, तो एन की जगह के प्लस वन रखेंगे तो हमारा लास्ट टर्म आएगा यहाँ तक के प्लस वन के प्लस थ्री। एन इजिकल टू के लिए थे तो यहाँ तक टर्म आ रहा था, देखो यहाँ तक आ रहा था, है ना। लेकिन एन इजिकल टू के प्लस वन लेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, एक टर्म और आ जाएगा इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से आपको मिल जाएगा, इक्वेशन टू से आप रख दीजिए, ठीक है। दोनों का एलसीएम सिक्स आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे हम तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रकार से आएगा ये। और आपको बता दूं कि यही हमारा राइट हैंड साइड है, हमने शुरुआत किया था लेफ्ट हैंड साइड से, हम पहुंच गए राइट हैंड साइड में, हम लिखेंगे दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इजक्वल टू के प्लस वन, अतः दिया गया कथन एन इजक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है, ठीक है। क्लियरली द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू वन, स्पष्ट है कि दिया गया कथन सभी n ग्रेटर दैन इक्वल टू वन के लिए सत्य है। इस क्वेश्चन में वही है, सेम है ना, यहाँ भी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले n इक्वल टू वन के लिए प्रूफ देंगे, जब हम n इक्वल टू वन लेंगे तो इसका एक ही टर्म मिलेगा, वन बाई टू आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी जब n की जगह वन लेंगे तो वन बाई टू ही आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी वन बाई टू आया, राइट हैंड साइड भी वन बाई टू, दोनों इक्वल आ रहा है। तो आप लिखोगे दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन, अतः दिया गया कथन n इक्वल टू वन के लिए सत्य है। अब n इक्वल टू के लिए, n इक्वल टू के लिए आप मान के चलोगे कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, मान लो कि दिया गया कथन n इक्वल टू के लिए सत्य है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है वहाँ k लिख दीजिए, क्योंकि n इक्वल टू के लिए सत्य है बोल रहे हो,
एन की जगह के लिख दीजिए तो ये लाइन आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर टू बोल रहे हैं, ये लाइन आ जाएगी। अब थर्ड केस में आते हैं, वेन एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में आपको मिल जाएगा, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमें इस प्रकार से मिलेगा ये ऐसा। तो आपको बता दूँ हमें जो आंसर मिल रहा है ये राइट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और पहुँचा दिया राइट हैंड साइड ये। तो आप लिखोगे दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, अतः दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है। क्लियरली द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू वन, स्पष्ट है कि दिया गया कथन सभी एन ग्रेटर इक्वल टू वन के लिए सत्य है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे आप लिखा है प्रूव दैट बाय इंडक्शन, प्रूव बाय इंडक्शन एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री फोर, है ना। ये जो एन स्क्वायर प्लस एन है ये इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, बताना है। एन स्क्वायर प्लस एन एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, ये हमें साबित करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है इसको हम एस एन नाम दे रहे हैं, स्टेटमेंट को एस एन, एस एन हमारा स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट है, याद रखना पूरा, है ना, ये पूरा लाइन। एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन स्क्वायर प्लस एन एक सम संख्या है, सभी एन जो शामिल है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में के लिए, मतलब एन बिलोंग टू एन के लिए। ठीक है, सबसे पहले एन के वन रख के देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो जब एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, है ना। एन के वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन मतलब टू आएगा, और आपको पता है टू एक इवन नंबर है, सम संख्या है, है ना। ये टू आ रहा है वह क्या है, इवन नंबर है। एन में एन की जगह हम वन पुट करके देख रहे हैं, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वह एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो आप बोलोगे दस द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। हमारा स्टेटमेंट क्या है, एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। हमारा जो स्टेटमेंट है वो है इस क्वेश्चन में कि एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नंबर, एन स्क्वायर प्लस एन एक सम संख्या है। तो एन इज इक्वल टू वन के लिए ये सम संख्या आ रहा है, सम संख्या है। अब एन इज इक्वल टू के लिए हम मैक्सिमम करके चलेंगे कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। हमने लिखा है व्हेन एन इज इक्वल टू के देन एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। मान लो कि दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है, एन इज इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, एन के क्या रखने वाले हैं, के। तो के स्क्वायर प्लस के इज एन इवन नंबर आएगा, के स्क्वायर प्लस के एक सम संख्या, क्योंकि एन की जगह हम के रख रहे हैं। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस के इज एन इवन नंबर, सम संख्या है। अब हम थर्ड केस ले रहे हैं एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। आपको पता है के स्क्वायर प्लस के एक इवन नंबर है, और इसमें टू का मल्टीप्लाई है तो ये भी इवन नंबर है, ये तो इवन नंबर है। आप यहाँ पे बोल रहे हो, देखो यहाँ पे बोला है के स्क्वायर प्लस के इज एन इवन नंबर, के स्क्वायर प्लस के एक सम संख्या है। आपने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एन इज इक्वल टू के लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है वह ट्रू है, सत्य है। आपने लिखा है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है। जब एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है इसका मतलब है कि के स्क्वायर प्लस के एक इवन नंबर है, सम संख्या है, इसको आप मान लिए, है ना। अब आपको k प्लस वन के लिए प्रूफ देना है, तो k प्लस जब n की जगह k प्लस वन रखे और सॉल्व किए हमने, तो हमारा आंसर आ रहा है k स्क्वायर प्लस k प्लस टू के प्लस वन। इसके बारे में हम बोल चुके हैं इवन नंबर है, सम संख्या है। देखो हमने लिखा है k स्क्वायर प्लस k इज एन इवन नंबर, तो ये तो इवन नंबर है, हम बोल चुके हैं। और ये टू का मल्टीपल है, इसमें टू का मल्टीप्लाई है, ये भी इवन नंबर हुआ, सम संख्या, तो ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो ये एक इवन नंबर हो गया पूरा। तो हम देख रहे हैं कि जब हम n के k प्लस वन ले रहे हैं तो भी इवन नंबर ही आ रहा है। तो आप बोल सकते हो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है, तो सभी n के लिए सत्य माना जाएगा। तो हम लिखे क्लियरली द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल। ठीक है, ये कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, घर में ट्राई कीजिए।
आपको बताना है एन की पावर फोर माइनस फोर एन स्क्वायर डिजल बाय थ्री, तीन से विभाज्य होता है ना। टू की पावर एन, ये होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है, एक ही होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क घर में ट्राई कीजिए और बनना चाहिए होमवर्क, सो दैट टू की पावर एन इज ग्रेटर देन एन क्यूब फॉर ऑल एन कंट्रोल टू टेन। ये प्रूफ दैट वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू की पावर एन स्क्वायर टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम ये कर देते हैं, होमवर्क का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे होमवर्क में एक क्वेश्चन था, सो दैट एन की पावर फोर माइनस फोर एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री फॉर ऑल एन ग्रेटर टू बाई इंडक्शन मैथड। गणितीय आगमन विधि से दर्शाइए कि एन की पावर फोर माइनस फोर एन स्क्वायर तीन से विभाज्य है, ये जो क्वांटिटी है यह तीन से विभाज्य है सभी एन ग्रेटर इक्वल टू के लिए। एन का मिनिमम वैल्यू टू है, एन इजिकल टू के लिए पहले इसका प्रूफ देना पड़ेगा। एन इजिकल टू रखेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी है वह डिविजिबल बाई थ्री है, मतलब तीन से विभाज्य है जब हम एन इजिकल टू रखते हैं तब, ये पहले बताना पड़ेगा। तो हमारा स्टेटमेंट ये है, गिवन स्टेटमेंट एन की पावर फोर माइनस फोर एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री, है ना, यह तीन से विभाज्य है। सबसे पहला केस ले रहे हैं एन इजिकल टू, तो जब हम एन इजिकल टू रखेंगे तो यहाँ टू की पावर फोर माइनस फोर इंटू टू का स्क्वायर आएगा, सॉल्व करेंगे जीरो आ रहा है, और जीरो तो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, तो आप लिख सकते हो कि जीरो इज डिविजिबल बाई थ्री, मतलब एन इक्वल टू के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है ट्रू है, क्योंकि एन इक्वल जब टू रख रहे हैं तो इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, और जीरो तो थ्री से डिविजिबल है, विभाज्य है। हमने लिखा है दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू, अतः दिया गया कथन एन इक्वल टू के लिए सत्य है। अब हम आते हैं एन इक्वल टू के, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, मान लो कि दिया गया कथन एन इक्वल टू के लिए सत्य है, तो एन की जगह के रखेंगे और बोलेंगे यह डिजल बाई थ्री है, तो यह आ जाएगा के की पावर फोर माइनस फोर के स्क्वायर इज डिजल बाई थ्री, या तीन से विभाज्य, ऐसा हम एग्जूम करके चल रहे हैं। अब हम लास्ट केस में आते हैं व्हेन एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब हम एन की जगह के प्लस वन लेते हैं, तो के प्लस वन की पावर फोर माइनस फोर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया इस प्रकार से, देखो ऐसा पूरा सॉल्व किया, तो हमें तीन टर्म मिल रहे हैं। पहला टर्म में आ रहा है के की पावर फोर माइनस फोर के स्क्वायर, इसको टी वन बोल दिए पहला टर्म। दूसरा टर्म है फोर इंटू के माइनस वन के, के प्लस वन, के माइनस वन के, के प्लस वन। और थर्ड टर्म है थ्री इंटू टू के स्क्वायर माइनस वन। फर्स्ट टर्म तो थ्री से डिविजिबल है, तीन से विभाज्य है, के की पावर फोर माइनस फोर के स्क्वायर के बारे में यहाँ लिखे हो आप कि ये जो टर्म है यह इज डिविजिबल बाई थ्री, यह तीन से विभाज्य है, ये तो तीन से विभाज्य है वाला टर्म, ठीक है। ये भी थ्री से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो तीन क्रमागत संख्याएं यहाँ मिलेगी। के की जगह जैसे मान लो के की जगह मान लो फाइव रखता हूँ तो यहाँ फोर आएगा, यहाँ फाइव आएगा, यहाँ सिक्स आएगा। मान लो के की जगह टेन रखता हूँ तो यहाँ नाइन आएगा, यहाँ टेन आएगा, यहाँ इलेवन आ जाएगा। तीन क्रमागत संख्याएँ आएंगी, और तीन क्रमागत संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करोगे तो अवश्य ही वो थ्री से डिवाइड होता है, मतलब वो थ्री से विभाज्य हो जाता है। और ये थ्री का मल्टीपल है, थ्री का मल्टीपल है, ये भी थ्री से डिवाइड होगा, ये भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि थ्री का मल्टीपल है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों ही थ्री से डिवाइड होंगे, तो पूरा टर्म थ्री से डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। पहला टर्म तो तीन से डिवाइड होता है, तो हमने एग्जूम किया था वहाँ से आया। सेकंड जो टर्म ये है इज डिजिबल बाई थ्री बिकॉज इट हैज अ फैक्टर विच इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, है ना, यह तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, इसी कारण ये तीन से डिवाइड होगा, ठीक है। यह एक घटक ऐसा रखता है जो तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल है, और यह भी तीन से डिवाइड होगा क्योंकि यह तीन का मल्टीपल है, इट इज मल्टीपल ऑफ थ्री, यह तीन का गुणक है, तो ये भी तीन से डिवाइड है, ये भी तो ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई थ्री है। तो आप लिखोगे हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इजक्वल टू के प्लस वन, अतः दिया गया कथन एन इजक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है। क्लियरली द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू टू, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था, हमने लिखा था सो दैट टू की पावर एन इज ग्रेटर देन एन क्यूब,
फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू 10, तो गिवन स्टेटमेंट है 2n n³, ये हमारा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 10। तो पहले हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 10, मिनिमम वैल्यू इसका 10 है, तो n इक्वल टू 10 के लिए इसका हम प्रूफ पहले देते हैं। n इक्वल टू 10 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर 10 ये आ जाएगा 1024, और राइट हैंड साइड में जब n की जगह 10 लेंगे तो 10 का क्यूब 1000 आएगा। आप देख सकते हो 2 की पावर 10 और 10 की पावर क्यू 3, इन दोनों में ये वाला ग्रेटर है, ये लेस देन है ना, मतलब 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। एन की अगर 10 ले रहे हैं तो हम लिखेंगे हैंस दस द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 10, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में एन का मिनिमम वैल्यू 10 था, इसी कारण 10 के लिए पहले प्रूफ देना पड़ेगा, हमने एन इज इक्वल टू 10 के लिए इसका हमने प्रूफ दिया है। अब हम आते हैं एन इज इक्वल टू के, एग्ज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मान लो कि दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है, एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है, मतलब एन के आर के लेते हैं ट्रू है मान के लेते हैं, तो 2 की पावर k इज ग्रेटर देन के क्यूब आ जाएगा, एन के आर के रख दिए, यहाँ पर क्वेश्चन है ना, एन की जगह के लिख दीजिए तो 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k³ आ गया, ये इस प्रकार इक्वेशन में मिल गया। अब हम थर्ड एंड लास्ट केस करेंगे व्हेन एन इज इक्वल टू के प्लस वन, 2 की पावर k+1 को लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर k, और मैं आपको बताता हूँ 2 ग्रेटर होता है 1 + 1/10³ से, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 उससे ग्रेटर आएगा, इसके प्लेस में ये लिखते हैं तो ग्रेटर देन साइन वर्क आ जाएगा, इसके 2 की जगह ये लिख दिया ये। अब k की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, ठीक है, तो k 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो मैं आपको समझाता हूँ, तो 1/k जो है ये लेस देन इक्वल टू 1/10 हो गया, है ना भाई, ठीक है 1/10, मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/10 या ग्रेटर देन हुआ 1/k से, ओके ये देखिए 1/10 की जगह 1/k लिखोगे तो ये साइन बरकरार रहेगा, ग्रेटर देन का साइन बरकरार रहेगा, 1/10 की जगह 1/k लिखा ना तो ग्रेटर देन साइन बरकरार रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हम देख रहे हैं, अब देखो 2 की पावर k इज ग्रेटर देन के क्यूब है इक्वेशन नंबर 1 से, 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k³ है इक्वेशन नंबर 1 से, जी k³ कटेगा, तो 2 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन k+1³, ये हमने साबित कर दिया, मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, देखो हम आ रहे हैं वेन n इज इक्वल टू k+1, n की क्या ले रहे हैं k+1, तो 2 की पावर k+1 को हम लिखेंगे 2 × 2 की पावर k, यहाँ से समझ में आ गया होगा, अब 2 के प्लेस पे ये लिख रहे हैं तो ग्रेटर देन साइन आएगा, क्योंकि 2 जो है वह इससे ग्रेटर होगा, इसको आप सॉल्व करके देख लिए ये 2, तो इसके प्लेस पे ये जब लिखेंगे तो ग्रेटर देन साइन आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ 1/10 की जगह 1/k लेंगे तो ग्रेटर देन साइन बरकरार रहेगा, मतलब ये ग्रेटर देन साइन रहेगा क्योंकि के वैल्यू 10 से बड़ा है, तो 1/k छोटा होगा 1/10 से, तो 1/10 और 1/k में 1/10 ग्रेटर है 1/k से, तो 1/10 की जगह 1/k लेंगे तो ग्रेटर देन साइन बरकरार रहेगा, ओके। अब ये आ जाएगा k+1/k³ × 2 की पावर k, अब 2 की पावर k या ग्रेटर देन है k³ से इक्वेशन नंबर 1 से, तो 2 की पावर k की जगह k³ रखेंगे फिर ये साइन बरकरार रहेगा, अब k³ कैंसिल हो जाएगा ये लाइन आ जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि n इक्वल टू k+1 के लिए भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, इसका मतलब ये सभी n के लिए ट्रू आया जो n से ग्रेटर देन आर इक्वल टू है।